हेल्थ, फिटनेस और ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, दबाएं उस बेल आइकन को ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप सबसे पहले देख सकें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घोड़े जैसी दौड़ कैसे लगाएं, लंबे समय तक कैसे दौड़ें। मित्रों, अधिकतर लोगों को लगता है कि रनिंग करने के लिए बस उठो, जूते पहनो और निकल पड़ो। अक्सर लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय बाद उनके लिए तकलीफ पैदा हो जाती है, इसकी वजह रनिंग करने के बारे में सही जानकारी का ना होना। दरअसल रनिंग करना एक साइंस है। जिस तरह क्रिकेट में बल्लेबाज बिना दिक्कत के लंबी लंबी पारियां खेल सकता है, उसी तरह अगर आप सही तरीके से दौड़ते हो तो आप लंबे समय तक दौड़ सकते हो। मित्रों, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो रनिंग करते समय कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं। बहुत से लोग तो रनिंग करते समय एक दूसरे से बातें भी करते हैं और कुछ लोग तो रनिंग के दौरान जोर जोर से जमीन में पैर पटकते हैं। इससे आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं और शरीर पर दबाव भी पड़ेगा। यह गलती आम तौर पर हर कोई करता है। अब बात करते हैं कि हमें किस तरह से रनिंग करनी चाहिए। नंबर एक, सिर की पोजीशन। रनिंग करते वक्त हमारा सिर एकदम सीधा होना चाहिए। नंबर दो, हाथों की पोजीशन। रनिंग में हाथों के मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाथ अगर सही पोजीशन में रहते हैं तो एक सही टेक्निक की वजह से आपकी स्पीड में काफ़ी इजाफा हो सकता है। भागते समय आपकी दोनों हथेलियां कूल्हों से ठोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए, जिससे आपको मोमेंटम मिलेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। नंबर तीन, पैरों की लैंडिंग सही होना। रनिंग करते समय आपके पैर ना तो पंजे के भर आना चाहिए और ना एड़ी के भर, आपका पैर एकदम सीधा आना चाहिए। इसकी वजह से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा। दौड़ने से पहले आप ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ ना लें, ना ही आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, इससे आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। दौड़ने से पहले एक गिलास पानी या एक गिलास जूस लें, खाली पेट ना दौड़ें। अब बात करते हैं कि सांस कैसे लें। रनिंग करते वक्त आप कभी भी मुंह से सांस ना लें। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे। मित्रों, दौड़ते समय आपकी टांगें मजबूत होना और आपका वेट कम होना बहुत ज़रूरी है। आपकी टांगें मजबूत हैं और आपका वेट कम है तो आप इतनी तेज दौड़ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी टांगों को मजबूत करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए आप स्क्वाट और पुशअप दोनों को लगाएं। इन दोनों एक्सरसाइज को आप रोज करें। इन दोनों एक्सरसाइज को करते समय आपका पेट थोड़ा खाली हो। मित्रों, दौड़ने के लिए आपको स्टेमिना की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, सांस का अच्छा होना जरूरी होता है और टांगों के अंदर ताकत होना भी जरूरी होता है, जो कि इन दोनों एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं। तो मित्रों, अगर आप घोड़े जैसी दौड़ लगाना चाहते हैं तो इन दोनों एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मिस ना करें। मित्रों, हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपके स्टेमिना को और तेज़ी से बढ़ाने में मदद करेगी। याद रखिए, आपका स्टेमिना जितना मजबूत होगा आप उतनी ही तेज दौड़ेंगे। रनिंग करने के लिए व्यक्ति को हर रोज कम से कम 2 केले खाना चाहिए। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए केला बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। दूसरा, चना, 2 मुट्ठी चना का सेवन आप रनिंग करने के बाद जरूर करें। जहां तक हो सके वहां तक हरी सब्जियों का प्रयोग करें। अगर आप मेरी बताई गई इन सभी बातों को फॉलो करोगे तो आप निश्चित रूप से 10 दिनों में घोड़े जैसी लंबी रेस लगा पाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।